दोस्तों स्वागत है आपका ड्राइव सेंस के एक और नई वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त अमित। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ड्राइविंग सीरीज चल रही है। सीरीज का आज ये सेकंड पार्ट है। इस पार्ट में मैं आपको बेसिकली बताने वाला हूँ फुट मूवमेंट्स के बारे में। जब भी हम नए ड्राइवर होते हैं ना, जब हम शुरू के एक दो दिन होते हैं, तो हम बहुत कंफ्यूज होते हैं पेडल्स को लेकर के कि हमारा ब्रेक कहाँ है, एक्सीलेटर कहाँ है, क्लच कहाँ है, हमारा फुट का मूवमेंट हमें समझ नहीं आता है। तो आज मैं आपको बेसिक सी चीज़ें बताने वाला हूँ कि आपके फुट पोजिशनिंग क्या होना चाहिए और कार को मूव करने के लिए और स्टॉप करने के लिए क्या क्या टेक्निक आपको इस्तेमाल करनी चाहिए। छोटा वीडियो रहेगा, बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं रहेगा, तो उम्मीद है आप इस वीडियो को पूरा देखोगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो, आपको फुट मूवमेंट दिख रहे होंगे और आपको फ्रंट की स्क्रीन भी दिख रही होगी। अभी मैं आपको सबसे पहले ये बताता हूँ कि आपके फुट की पोजीशन क्या होना चाहिए, क्योंकि शुरुआत में दोस्तों हमें हमेशा पेडल मिस एप्लीकेशन की परेशानी होती है। हमें क्या है, ब्रेक दबाना होता है लेकिन गलती से दब जाता है हमारा एक्सीलेटर और ऐसे में हमारे साथ हादसा हो जाता है। अगर आप नए ड्राइवर होते हो ना, तो ये गलतियाँ आप हमेशा करते हो। तो ये टेक्निक जो मैं बताने वाला हूँ, इस टेक्निक को देख करके इस चीज़ से आप निजात पा सकते हो, आपसे कभी भी चाह कर भी पेडल मिस एप्लीकेशन नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मेन चीज क्या होती है, आपको पोजीशन समझना पड़ेगी। पोजीशन कैसे समझोगे वो देखिए। सबसे पहले दोस्तों हम क्लच की बात करते हैं। क्लच को हमें इस्तेमाल करना होता है हमारे ये वाले लेफ्ट वाले पैर से, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट वाला पैर कब काम में आएगा, सिर्फ क्लच के लिए। और ब्रेक और एक्सीलेटर हमें दोनों राइट वाले से पैर से कंट्रोल करना होता है, ठीक है। ये चीज हो गई, सिंपल सा इतना याद रखो, ज्यादा टेक्निकल डीप में मत जाओ, बस इतनी चीज आप समझ लो। अब हमारी पोजीशन जो होना चाहिए वो होना चाहिए ऐसे पॉइंट पर हमारी एडी हो, जिस पॉइंट से हमें ब्रेक पर और एक्सीलेटर दोनों पर जाने पर आसानी हो। अब आपको पोजीशन रखनी कैसे है वो समझो। राइट फुट की पोजीशन आपको ऐसी रखनी है जहाँ पे दोनों लीवर पर आप आसानी से पहुँच सको, और वो पोजीशन होती है ये। आप ये देख सकते हो मेरी एडी, आप एडी देख सकते हो, मैं आपको और थोड़ा एंगल चेंज कर देता हूँ। ये देख सकते हो मेरी एडी, देख सकते हो। अब ये एडी क्या है, अब ऐसे में हमको ब्रेक लेना होगा ना, तो अपनी एडी को आराम से यहाँ पे ला सकते हो, और आपको एक्सीलेटर करना होगा तो आराम से आप यहाँ पे ला सकते हो। ये पॉइंट आपको समझ लेना है, ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, ये पॉइंट जो दिख रहा है एडी का, और ये एडी जो रहेगी ना स्टेशनरी पोजिशन में रहेगी। आपको बार बार एडी को उठाना, मूव करना और फिर इधर उधर करना की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये रखना है, ठीक है बस। और वहीं आप क्लच की बात करें, तो क्लच में एडी जो है स्टेशनरी नहीं होगी, आप सिर्फ प्रेस करोगे ना तो एडी आपकी साथ में जाना चाहिए और साथ में ही रिटर्न आना चाहिए। ये प्रॉपर तरीका होता है क्लच को हैंडल करने का और दोनों जो ब्रेक है और एक्सीलेटर को कंट्रोल करने का। सिंपल सा एडी और ये आप याद रखो, सिंपल हो गया। ये चीज़ हो गई, आपको फुट पोजीशन समझ में आ गई। इस पोजीशन में आप रखोगे अपने पैरों को, आपको परेशानी नहीं आएगी बिल्कुल भी, आपसे पेडल मिस एप्लीकेशन नहीं होगी और आप इजीली इनको याद रख सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों हम अपनी गाड़ी को मूव कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब मूव करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको क्लच दबा करके अपनी गाड़ी को फर्स्ट गियर में लाना होगा, और उसके बाद क्लच को रिलीज़ करेंगे और आपकी गाड़ी ऑटोमेटिकली आगे मूव होने लगेगी। अभी जैसे कि मैं फुट पोजीशन मेंटेन कर लेता हूँ, मैंने फुट पोजीशन मेंटेन कर लिया, हैंड ब्रेक मैंने रिलीज़ कर देता हूँ, ठीक है। हैंड ब्रेक रिलीज़ कर दिया है, अब मैं दबा देता हूँ अपना क्लच। आप देख सकते हो क्लच मैंने दबा दिया है, अपनी गाड़ी को ले लिया मैंने फर्स्ट गियर में, ठीक है, फर्स्ट गियर में ले लिया। अब मैं गाड़ी उठाने की कोशिश करता हूँ, कैसे, मैं एक्सीलेटर का यूज़ करूँगा पहले तो, ठीक है। अब क्लच को मैं धीरे धीरे रिलीज़ करूँगा, ठीक है, मेरी गाड़ी हल्की सी वाइब्रेट होने लगेगी। मैं क्या करूंगा, आपको हल्का सा एक्सीलेटर दूंगा फिर क्लच रिलीज़ करूंगा, ये देखिए। और अब मैं एक्सीलेटर से पैर हटा दूंगा और क्लच से भी पैर हटा दूंगा, ये देखो मेरी गाड़ी कितनी आसानी से उठ गई। हल्का सा मैंने एक्सीलेटर दिया, क्लच को रिलीज़ करा और मेरी गाड़ी आराम से उठ गई, और अब मेरे को कोई परेशानी नहीं हो रही है, मेरी गाड़ी ईजिली चल रही है, ठीक है, फर्स्ट गियर में। अब मुझे क्या करना है, मेरी गाड़ी को रोकना है। अब मैं रोकने के लिए क्या करूँगा, क्लच दबाऊंगा, मेरी गाड़ी फ्री हो गई, और उसके बाद मैं धीरे धीरे ब्रेक अप्लाई कर दूंगा, ठीक है, मेरी गाड़ी रुक गई, न्यूट्रल में कर दी, हैंड ब्रेक एंगेज कर दिया, और ये बस फर्स्ट लेसन आपका यही कंप्लीट होता है। आपको बस गाड़ी उठाना और रोकना सीखना है। लेकिन मैं एक तरीका और आपको बताता हूँ। अब ये तरीका क्या है, ये तरीका है विदाउट एक्सीलरेटर। कई लोग बोलेंगे ये टेक्निक देख करके कि भैया ये डीजल गाड़ी में होता है, पेट्रोल और सीएनजी में नहीं होता है।
लेकिन दोस्तों मैं आपको पेट्रोल में भी ये गाड़ी उठा करके दिखा सकता हूँ, सीएनजी में भी दिखा सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्लच के कमांड के ऊपर डिपेंड करता है कितनी अच्छी आपकी क्लच पे कमांड है। तो मैं चाहूंगा कि आप सेकेंड वाली टेक्निक को ज्यादा प्रिफर करो शुरुआती दिनों में, क्योंकि जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे क्लच को लेकर के ना, उतनी जल्दी आप ड्राइविंग सीखोगे, गाड़ी बंद नहीं होगी। ठीक है, अब वो टेक्निक समझो, क्लच दबाया, हैंड ब्रेक तो मेरा रिलीज ही है, फर्स्ट गियर लिया, अब देखो मैंने अपनी गाड़ी का क्लच रिलीज करा और देखो मेरी गाड़ी उठ गई। अब आप बोलोगे कि आपकी गाड़ी डीजल होगी और ये है वो होगी, ऐसा कुछ नहीं है, पेट्रोल गाड़ी भी आराम से उठ जाती है, और रोकना हो तो क्लच दबा करके ये आपकी गाड़ी आराम से रुक गई। इस तरह से आप अपनी गाड़ी को सीख सकते हो, पहला दिन आपका ये कर सकते हो। आपको पहले दिन इसी चीज़ की प्रैक्टिस करनी है, आपको एक्सीलेटर पे ध्यान नहीं देना है, आप सिर्फ क्लच पे ध्यान दो, फर्स्ट गियर पे ही गाड़ी चलाओ, भले कितनी क्या स्पीड में चल रही हो लेकिन आप उसी पे चलो। शुरुआत के एक दो दिन आप यही टेक्निक इस्तेमाल करोगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है क्लच को लेकर के। ये चीज़ हो गई क्लच को लेकर के, हमने किस तरह से गाड़ी उठाई और किस तरह से हमने गाड़ी रोकी। रोकने का सिंपल फंडा है, आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाओगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे कितना ब्रेक लेना है कितना ब्रेक नहीं लेना है। आप इसको दो तीन दिन कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा आपकी गाड़ी का क्लच। तो आज के वीडियो में यही था दोस्तों, आई होप आपने वीडियो पूरा देखा होगा, आपको समझ में आया होगा। थर्ड पार्ट रहेगा, उसमें और भी इंटरेस्टिंग चीज़ रहेगी। तो आज के वीडियो में इतना ही, तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।